महाशिवरात्रि शिव भक्तों का सबसे प्रिय दिन, जिस दिन की प्रतीक्षा प्रत्येक शिव भक्त को बड़ी अधीरता से रहती है। आज इस पावन महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं पल्लव स्वागत करता हूं आपका एक आभासी संसार में, शिव को समर्पित एक संसार में। जहाँ पर यह शिवलिंग स्थापित है, इसी स्थान पर पहले मंदिर का निर्माण कार्य करना निश्चित हुआ था, परंतु भूमि की थोड़ी कमी के कारण मंदिर का निर्माण कार्य थोड़ा दूर निश्चित किया गया। मंदिर के मुख्य द्वार से थोड़ा आगे एक नदी बह रही है। इस नदी का मार्ग अवरुद्ध किए बिना इसके ऊपर बनाए गए इस पुल से इस मार्ग की सुंदरता और भी बढ़ गई है। इसी मार्ग से आगे बढ़ते हुए आपको देखने मिलेगा जिराफ और कुछ जेब्रा। इस मंदिर में दो गाय और दो बैल भी हैं। मंदिर के पास आते ही आपको नंदी जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। नंदी जी के पीछे यहाँ पर एक बगीचा है, जहाँ पर योग एवं ध्यान करने हेतु स्थान है। और प्रातः काल में चलने के लिए एक अलग मार्ग भी। मंदिर के दाईं ओर एक तालाब भी है, जहाँ पर आपको कुछ सुंदर मछलियाँ देखने को मिलेंगी। मंदिर के पीछे इस स्थान पर प्रतिबंध लगाया गया है, कारण यहाँ पर सार्क और पिराना मछलियाँ भारी मात्रा में उपस्थित। अब मंदिर दर्शन का समय। मंदिर के गर्भगृह के अंदर दाईं और बाईं ओर आपको स्वस्तिक चिन्ह देखने को मिल जाएगा। अब शिवलिंग पे जल अभिषेक करेंगे। यह था महाशिवरात्रि पे मेरा छोटा सा प्रयास भक्ति से महादेव को समर्पित। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो अपने मित्र और अपने परिवार के साथ शेयर अवश्य करें। वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। बाकी शिव सदा सहायते। हर हर महादेव।